नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एमसी एक्श्योर गेन के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। एल्गो ट्रेडिंग करना हर कोई चाहता है दोस्तों, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग में होने वाले लॉसेस और मैनुअल इंटरवेंशन से कई बार हम इतने ज़्यादा इमोशनल अटैच हो जाते हैं किसी भी ट्रेड के साथ कि काफ़ी नुकसान कर बैठते हैं अपना। तो उससे बचने के लिए ऑटो ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम एक प्रॉपर स्टॉप लॉस और एक प्रॉपर टारगेट के साथ अपना ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट मैनेजमेंट कर सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस की मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन चीज़ों की वजह से जो है ना, लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है और प्रॉफिट मिलने के चांसेस जो है वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। इसलिए ऑटो ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑटो ट्रेडिंग करना ही सबसे ज़्यादा सही तरीका भी है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, जो हम आपको ऑटो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं वो ऑटो ट्रेडिंग का वेब बेस्ड, ब्राउजर बेस्ड आप कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है जिसको कि आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें जो ब्रोकर हमने अभी चूज़ किया है, अलग अलग ब्रोकर से APIs प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी जो हमने ब्रोकर यूज़ किया है वो है एलिस ब्लू। एलिस ब्लू एक बैंगलोर बेस्ड ब्रोकर है जिसने API प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, और API वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ऑटो ट्रेडिंग के लिए। लाइक अदर ब्रोकर्स जो हैं वो पैसे लेते हैं कुछ ब्रोकर जो हैं, बट एलिस ब्लू में आपका API का फ्री है, तो आप उनके यहाँ से फ्री अकाउंट खुलवा के अपना जो है API जो है फ्री है वो आप ले सकते हैं। अब API के लेने के बाद किस तरीके से अटैच करना है, किस तरीके से ऑटो ट्रेडिंग करनी है और क्या क्या फीचर्स हैं, मैं उनके बारे में आगे बात करता हूँ आपसे। बेसिकली दो अलग अलग तरीके की चीज़ें हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है MT4 बेस्ड ट्रेडिंग, जिसमें क्या है कि मेटा ट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर को हमने इंक्लूड किया, और मेटा ट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर से क्या है, सिग्नल जनरेट होता है जो कि आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करता है। सेकेंड है प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज, कुछ हमारी कंपनी की कुछ अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज हैं जो कि हमने उसमें वहाँ इंक्लूड करी हैं। साथ ही साथ उनका पास्ट परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड भी उसमें साथ ही साथ आता है, आप देख सकते हो कितने सिग्नल आए, कितने सिग्नल प्रॉफिट में रहे, कितने सिग्नल लॉस में रहे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके की क्या क्या फैसिलिटीज हम अपने इस एल्गो टर्मिनल में, जो कि एल्गो ट्रेडिंग का ब्रिज है, उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जाना है वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है elgobridge.in, www.elgobridge.in। इस वेबसाइट पे हमें जाना होगा, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये पेज आपको खुला हुआ दिख रहा है, जो सेम पेज आपको दिखेगा। इसको आप मोबाइल से भी खोल सकते हैं, इसको आप डेस्कटॉप से भी खोल सकते हैं, लैपटॉप से भी खोल सकते हैं, किसी से भी खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है लॉगिन में। तो जब आप लॉगिन में जाएंगे तो एक वेबसाइट का पेज खुलेगा, तो उस पेज पे जाके सबसे पहला काम आपको करना है अपने आप को साइन अप करने का। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे डालना है अपना नाम, जैसे ये मैंने अपना नाम डाला, ये मेरी ईमेल आईडी इस पे आ रही है ऑलरेडी, और मैं मोबाइल नंबर डालूँगा अपना। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद मैं अपनी एलआईसी ब्लू की क्लाइंट आईडी डालूँगा, उसके बाद मैं पासवर्ड डालूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी स्टेट डालूँगा। यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विसेज पे क्लिक करने पे ये हमारी टर्म्स एंड सर्विसेज जो हैं ऑटो ट्रेडिंग की, वो यहाँ पे खुल जाएंगी। एक्सेप्ट कर देना आपको, या तो डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आपको करना है रजिस्टर पे क्लिक। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बॉटम पे दिखाएगा, जैसे ये मुझे दिखा रहा है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो जो भी डिटेल मैंने डाली उसमें से कोई डिटेल मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो मुझे यहाँ पर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। अब मैं दोबारा से अपनी क्रेडेंशियल डालूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ था इसलिए मुझे इस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन शायद वो मैंने अकाउंट दूसरे नाम से बनाया था। तो मैंने यहाँ पर एक और अकाउंट अभी बनाया, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि मुझे अपने ईमेल पे जाना है, और ईमेल पे जाके इसको वेरीफाई करना है, तो मैं अब अभी अपनी ईमेल पे जाऊँगा। ये मुझे मेल आया हुआ है एल्गोब्रिज से, इस मेल पे गया मैं, नीचे मुझे कंफर्म करना है, कंफर्म किया,
ठीक है, ये मेरा अकाउंट खुल गया है यहाँ पे। अब मुझे लॉग इन पर जाना है, तो जब मैं लॉग इन पर क्लिक करूँगा और अपनी डिटेल भरूँगा, उसके बाद मुझे लॉग इन पर क्लिक करना है। तो ये लॉग इन पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। तो अब इस डैशबोर्ड में दोस्तों दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं वन बाई वन आपको बताऊँगा। सबसे पहले ही जो नंबर पे चीज़ है, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेटजीज़ की। तो स्ट्रेटजीज़ में दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़। आप ये देख सकते हैं 6 अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उन स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एल्गो ब्रिज में आने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारे लिए क्या है कि हमें ऑथेंटिकेशन पे जाना है। ऑथेंटिकेशन पे जाने के बाद हमें अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपना कोई भी एक यूनिक आईडी डाल सकता हूँ, और वो यूनिक आईडी आपको अपने पास रखनी है, किसी को भी नहीं बतानी है, किसी भी एलाइस ब्लू को नहीं बतानी, एल्गो ब्रिज की किसी टीम को नहीं बतानी, अपने पास रखनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, कुछ भी एक रख देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरी यूनिक आईडी जो है वो राना, अब मैंने उसको कर दिया, अभी यहाँ पर मेरी यूनिक आईडी क्रिएट हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब हम MT4 के थ्रू ट्रेडिंग करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद एक्सेस टोकन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक्सेस टोकन नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गेट एक्सेस टोकन पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर हमें अपनी एलिस ब्लू की डिटेल डालनी है। ये मैंने यहाँ पर अपनी एलिस ब्लू की डिटेल डाली। अब ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आप उस हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। ये मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डाल दिया है। तो अब ये देखेंगे आप, मेरे पास यहाँ पर एक एक्सेस टोकन आ गया है। अब एक्सेस टोकन आने के बाद यहाँ पे नीचे एक वैल्यू लिखी आ गई, इसको मैं वैलिडेट कर सकता हूँ। तो जब मैं वैलिडेट करूँगा तो राइट साइड पे टॉप में मुझे दिखेगा एक्सेस टोकन मेरा वैलिड है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका ट्रेड नहीं होगा। ये आपको डेली करना होगा, मार्केट शुरू होने से पहले डेली आपको गेट एक्सेस टोकन पे जाना है। यूनिक आईडी तो आपको एक ही बार क्रिएट करनी है, रोज़ रोज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार क्रिएट कर लिया बहुत है, उसके बाद आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको आके डेली क्या करना है, पहली बार आपको यूनिक आईडी और यहाँ पर एक्सेस टोकन गेट करना है, उसके बाद हर रोज़ डेली आपको गेट एक्सेस टोकन पे एक बार ज़रूर जाना है मार्केट ओपन होने से पहले, और यहाँ पर अपना एक्सेस टोकन जो है वो आपको ज़रूर बना लेना है। क्योंकि वो एक्सेस टोकन जो है एलिस ब्लू का या किसी भी ब्रोकर का जो एपीआई का ट्रेडिंग का सेशन होता है वो 24 घंटे में ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर ये सुबह 8 बजे शुरू करते होंगे तो अगले दिन 8 बजे फिर वापसी ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको दोबारा से करना होगा। तो मार्केट शुरू होने से पहले डेली आप एक बार एक्सेस टोकन गेट कर लीजिएगा, तभी आपका जो है ऑटो ट्रेडिंग सक्सेस हो पाएगा। अब आते हैं उसके बाद स्ट्रेटजी सेक्शन पे दोबारा। तो ये है दोस्तों स्ट्रेटजीज़ का सेक्शन, जहाँ पर एक स्ट्रेटजीज़ का सेक्शन है, सेकंड अपना कस्टमाइज स्ट्रेटजी का सेक्शन है, और तीसरा है ट्रेड हिस्ट्री का सेक्शन। इन सब इस सब सेक्शन के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं हम आवर स्ट्रेटजीज़ के सेक्शन में। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हमारे पास हैं, जैसे ईगल ट्रेडिंग है, इंट्रा मैक्स है, सुपर ट्रेंड है। अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अगर पास्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमें यहाँ पर मिल रही है। जैसे कि अभी आप देख पाएंगे कि जो इसमें सिग्नल्स हमें दिखाई दे रहे थे वो सब सिग्नल्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि टारगेट आए हुए हैं, काफ़ी सारे सिग्नल्स पे टारगेट हमें मिले आज की डेट में भी। और मार्केट बंद होने से पहले सारी ट्रेड्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं, इंट्राडे ट्रेड्स हैं, 10 मिनट पहले सब ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस की ट्रेड भी दिखी है और ये टारगेट्स की ट्रेड है, फिर ये स्टॉप लॉस की। तो टोटल 23 ट्रेड्स हमारी बनी, जिसमें से 6 ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस झेलना पड़ा, और बाकी की जितनी भी ट्रेड्स थी 23 ट्रेड्स, टोटल 29 में से 23 पे प्रॉफिट आया, 6 पे स्टॉप लॉस। ये आपकी एक्यूरेसी लेवल, ये डेली बेसिस पे मेंटेन होती हैं दोस्तों, जो भी कोई ट्रेड आता है वो सब यहाँ पर मेंटेन हो जाता है। इसकी वजह से आप एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो एक तैयार हो जाती है। ज़्यादातर ट्रेडर बोलते हैं ना कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है ना यहाँ पे सब अपनी स्ट्रेटजीज़ की, एक एक स्ट्रेटजीज़ की यहाँ पर मेंटेन। दोस्तों ये है अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के बारे में, किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो उसके बारे में पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं, पूरी स्ट्रेटजीज़ का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कौन कौन से। जैसे ये सिर्फ MCX के लिए है, इसको आप तीनों में चला सकते हो, बाकी की ऑलमोस्ट स्ट्रेटजीज़ को आप तीनों में चला सकते हो। सिर्फ एक ईगल ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको आप कमोडिटी में ही चलाओ, उसमें ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देती है। सेकेंडरी आपका अब आता है कस्टमाइज स्ट्रेटजी। अब आपको स्ट्रेटजी को किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है,
उसको मैं बता देता हूँ। ये अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं जो भी आपको जिसको भी कस्टमाइज़ करना है, मान लीजिए ईगल ट्रेडिंग को ही करना है, तो आपको क्या करना है, ऐड सिंबल पे जाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सचेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हमें सिंबल सिलेक्ट करना है, जैसे ये क्रूड ऑयल का सिंबल। मंथ सिलेक्ट करना है हमें, अप्रैल में करना है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट सेट करना है, MIS करना है क्योंकि इंट्राडे स्ट्रेटजी है। क्वांटिटी में हम 1 डाल सकते हैं। अब अगर हमें स्टॉप लॉस टारगेट भी रखना है, स्टॉप लॉस टारगेट दोस्तों यहाँ पर है 0.5% का जो स्टॉप लॉस है वो है, और 1% का टारगेट 1 है, सॉरी 0.5% का टारगेट 1 है, 1% का टारगेट 2 है, और 1.5% का टारगेट 3 है। उस हिसाब से हम यहाँ पर टारगेट्स और स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। अब मैं एनेबल टारगेट पे जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं टारगेट सेलेक्ट कर लूँगा, मान लीजिए मैं टारगेट 2 सेलेक्ट करता हूँ, एनेबल स्टॉप लॉस पे जाऊँगा और एनेबल वाइस वर्सा पे जाऊँगा। एनेबल वाइस वर्सा का दोस्तों मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस भी नहीं लगा और टारगेट भी नहीं लगा और नया सिग्नल आ गया, तो वो क्या करेगा कि क्वांटिटी को आपकी डबल कर देगा, यानी कि पुरानी वाला एक जो स्टॉक आपका बाय या सेल पड़ा था उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा और एक नई पोजीशन बना देगा। तो इसलिए एनेबल वाइस वर्सा करना ज़रूरी है। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक नया सिंबल क्रिएट हो गया, ईगल ट्रेडिंग सिस्टम MCX एक्सचेंज है, सिंबल क्रूड ऑयल है अप्रैल का और MIS। उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, स्टार्ट इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जब हम स्टार्ट इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो ट्रेडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है वो क्रूड ऑयल के अंदर और ईगल ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर स्टार्ट हो गई है। तो जब भी कोई नया सिग्नल जनरेट होगा ईगल ट्रेडिंग सिस्टम आपको यहाँ पर वो ट्रेड करके आपको दिखाएगा, और जो भी ट्रेड की हिस्ट्री होगी वो आपको ट्रेड हिस्ट्री में दिखाई देगी। अभी जैसे कि मार्केट बंद है और कोई नया सिग्नल भी नहीं आया तो अभी आप ट्रेड हिस्ट्री में देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप ट्रेड हिस्ट्री में जाके देख सकते हो कि कोई क्या नई ट्रेड बनी है, आपकी क्या ट्रेड हुआ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है दोस्तों, मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑथोराइजेशन पे जाके डेली एक बार हमें ऑथोराइज ज़रूर कर लेना है अपना। अगर हम ऑथोराइज नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो ट्रेड है वो नहीं होगा। ये देखिए वैलिडेट करूंगा तो एक्सेस टोकन वैलिड आ रहा है, 24 घंटे बाद क्या होगा, ये एक्सेस टोकन इनवैलिड दिखाएगा वैलिडेट करने पे। जब भी ये इनवैलिड दिखाएगा आपको गेट एक्सेस टोकन करना है। बेटर यही रहेगा कि आप एक हैबिट बना लीजिए कि सुबह सुबह मार्केट शुरू होने से पहले गेट से ये गेट एक्सेस टोकन करके आप अपना काम शुरू कर दें। तो ये है दोस्तों स्ट्रेटजीज़ के बारे में, सब स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं उनके डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, इंट्राडे कौन सी स्ट्रेटजी है, पोजिशनल कौन सी स्ट्रेटजी है, सबके बारे में लिखा हुआ है कौन सी स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है, आप उस तरीके से उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये तो था दोस्तों स्ट्रेटजीज़ का, आप इसको स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, 6 दिन का ट्रायल मिलेगा आपको हर एक स्ट्रेटजी को यूज़ करने का। तो 6 दिन आप किसी भी स्ट्रेटजी पर ट्रेडिंग कर सकते हो, किसी भी स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस देख सकते हो, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। परचेज़ करना चाहो तो सिंपली परचेज़ के बटन पर प्रेस कर सकते हो। इसमें आपका 1999 का पैकेज है, 1999 के पैकेज के साथ साथ जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये इसका पास्ट परफॉर्मेंस है इंट्रामैक्स का, जिसमें स्टॉप लॉस टारगेट्स ये सब दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे स्टॉप लॉस और काफ़ी सारे टारगेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम आ रही है, अभी 40% के आसपास है, लेकिन इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि अभी आपने 1-2 दिन से ही शुरू किया है और इसमें सारे सिम्बल्स के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर एक्यूरेसी इसलिए वेरी कर रही है, वो इम्प्रूव हो जाएगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। दूसरी चीज़ यह है कि जब भी आप परचेज़ करने पे जाएंगे तो आपको परचेज़ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, जैसे 1999 का अमाउंट है प्लस GST मिला के ये आपका अमाउंट है। किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगती है उस स्ट्रेटजी पर आप जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको कम एक्यूरेसी वाली पर जाना है, जिस पर आपको लगे अच्छी एक्यूरेसी आ रही है 6 दिन के अंदर उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्ट्रेटजीज़ का सेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ डैशबोर्ड के सेक्शन में क्या कर सकते हैं आप। डैशबोर्ड के सेक्शन में सिंपली सबसे पहले आपको एक सिंबल क्रिएट करना होगा जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी है। जैसे मैं क्रूड ऑयल पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल अप्रैल FUT ऐसे लिखूँगा तो क्रूड ऑयल का फ्यूचर आ जाएगा, उसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ। अब ये मैंने क्रूड ऑयल का फ्यूचर स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर मुझे एक की मिला है और साथ में यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करने का बटन है, साथ में ट्रेड हिस्ट्री देखने का बटन है, जब आपकी ट्रेड होगी तो आपको ट्रेड हिस्ट्री भी दिखाई देगी यहाँ पर। अब इस की के साथ आपको किस तरीके से ऑटोमेट करना है ट्रेड वो मैं बताता हूँ। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है दोस्तों मेटा ट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर की, जैसे ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये मेटा ट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, मेटा ट्रेडर 4 से ट्रेड्स को जनरेट करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर में हमने काफ़ी सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को इंक्लूड किया हुआ है,
जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी है, बॉलिंगर बैंड की स्ट्रेटजी है, पैराबॉलिक सार की है, हाइकर नाशी की है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, RSI जिसको बोलते हैं, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, CCI है, और स्टोकेस्टिक है, MACD है, USMA है, मोमेंटम है, ADX भी है, ATR भी है। इस तरीके से काफ़ी सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी एक स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकते हैं या कोई भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मूविंग एवरेज प्लस MACD करना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मूविंग एवरेज को ट्रू करेंगे, यहाँ पे मूविंग एवरेज के पीरियड डालेंगे। जैसे कि मैं मान लीजिए 25 और 40 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहता हूँ, और यहाँ पर MA टाइप 1 यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सेकेंड भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जीरो करेंगे तो सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। उसी की तरह तो अब यहाँ पर MACD को भी मैं ट्रू कर देता हूँ, 12, 26, 9 का पीरियड यहाँ पे लगा हुआ है जो है MACD का। ये तो हो गया इंडिकेटर को सेट करना। उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पर दो चीज़ें आपसे मांग रहा है, यूज़र की और इंस्ट्रूमेंट की। तो जो इंस्ट्रूमेंट की है दोस्तों वो यही है, इसको हमें कॉपी करना है और यहाँ पर आके हमें पेस्ट कर देना है। और जो यूज़र की है दोस्तों वो वही की है जो हमने यूज़र आईडी अपनी यूनिक आईडी बनाई थी, वो यहाँ पर लिख देनी है राना जो थी, और उसके बाद हमें ओके कर देना है। अब ये ओके करने से क्या होगा कि अब ये सिग्नल जनरेट करना शुरू करेगा, तो जो भी कोई नया सिग्नल आएगा उस पर आपका ट्रेड करना शुरू कर देगा, ये आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस पर कोई भी नया सिग्नल बनेगा तो उस नए सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी, कोई भी स्ट्रेटजी के हिसाब से, आप दोनों चीज़ों के मिलने के हिसाब से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मान लीजिए हमें सिर्फ MACD, सिर्फ हमें मूविंग एवरेज पे ही काम करना है मान लीजिए, और MACD को यूज़ नहीं करना, तो हम MACD को फॉल्स भी कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने इसको फॉल्स कर दिया। तो दोस्तों जब मैंने इसको मूविंग एवरेज पे लगाया तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एरोज हमें दिखाई दे रहे हैं बाय के सेल के, उन एरोज के हिसाब से ये ट्रेड करेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट्स लगाने का भी ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से है। बॉटम पे जब आप जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्वांटिटी मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम क्वांटिटी मैनेजमेंट को लगाते हैं तो यहाँ पर हम क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। जैसे 1 क्वांटिटी मैंने सेट की हुई है, स्टॉप लॉस पहला 100 पॉइंट का रखा हुआ है, इसको कितने भी पॉइंट का आप कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आप मल्टीपल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 आपने क्वांटिटी ट्रेड करी, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, यहाँ पर 1 लिख सकते हो, यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट की वैल्यू को आपने इक्वल टू रखना है। मतलब अगर 3 टोटल क्वांटिटी रखी है तो तीनों ही टारगेट में और तीनों ही स्टॉप लॉस में फिर रखना होगा, या फिर आप एक में किसी में भी 3 रख के बाकी में 0 कर सकते हैं, या एक में 2 और एक में 1 कर सकते हैं, लेकिन ये बराबर होनी चाहिए हमेशा। स्टॉप लॉस की क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी और टारगेट की क्वांटिटी तीनों 3, 3, 3 ही होनी चाहिए अगर हमने 3 लगाया तो। तो इस तरीके से जो है ना क्वांटिटी का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी हमारी सेट हो जाएगी और उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट ऑन का मतलब है कि अगर आप मनी मैनेजमेंट को ऑन कर लेते हैं और हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट या लॉस सेट कर देते हैं, मान लीजिए मैंने 50 रुपये का या 500 रुपये का स्टॉप लॉस या 500 रुपये का टोटल टारगेट सेट कर दिया, तो जब भी 500 रुपये का टोटल प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसके बाद ये आपका जो ट्रेड है उसको उसी तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देगा और उस आपकी ट्रेड बंद कर देगा। तो दोस्तों ये था आपका किस तरीके से आप इंडिकेटर को लगा सकते हैं, किस तरीके से इंडिकेटर की सेटिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मार्केट ऑर्डर हम यूज़ कर रहे हैं, हम चाहें तो ब्रैकेट ऑर्डर भी यूज़ कर सॉरी लिमिट ऑर्डर या SL ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर की जगह हम ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। उस केस में हमें टारगेट या स्टॉप लॉस यहाँ पर डालने पड़ेंगे, जैसे ब्रैकेट ऑर्डर का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा और इसके टारगेट्स TP और SL डालने पड़ेंगे। पॉइंट्स में हम डालते हैं 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, जिस हिसाब से उस हिसाब से आप डाल के इसको ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से इंडिकेटर्स काम करते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। कल मैं आपको एक और वीडियो इसकी दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेड होते हैं, किस तरीके से हिस्ट्री में दिखता है आपका ट्रेड, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसका डेमोस्ट्रेशन लेना तो आप वेबसाइट पर जाइए, कैसा डकार से आ गई, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर जाके ElgoBridge.in पे जाने के बाद आपको साइन अप करना है। साइन अप करके अपना अकाउंट बनाइए और अकाउंट बनाने के बाद स्ट्रेटजीज़ के सेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड वाले MT4 के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उन नंबर्स पे कॉल करके आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हो ताकि आप 6 दिन आराम से समझ सकते हो किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है, किस तरीके से हमारे इंडिकेटर काम करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग।